बेटा ये वेव ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर है। अब तक हम बात कर चुके हैं यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हो चुकी हैं। डिफ्रेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज डिफ्रेक्शन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करेंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी पोलराइजेशन विच शुड बी दी एंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो आपके लिए डिफ्रेक्शन का पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, टेक योर टाइम, इट्स आपको टाइम बल्कि दे देती हूँ। अभी हो रहा है 14:54, आप इसको 14:59 तक सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, आई एम ऑब्जर्विंग द चैट बॉक्स। खुशी, अभी ना लाइक अपने को थ्योरी तो पढ़ानी पड़ेगी ना, उसके साथ साथ क्वेश्चंस चलते हैं, तो दोनों ही चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जब ये अब एंड में जाएगा ना जून के अराउंड, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, सिर्फ ही आज इस टॉपिक के क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे वैसा। बेटा आंसर आ रहा है क्या? 18। ओके भारती, यूनिट क्या है? चलो ठीक है, एक बारी हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में। यहाँ पर देखो, आपको बोला हुआ है कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर दे रखी है। तो पहले जो जो हमें पता है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ वेवलेंथ दी है 600 नैनोमीटर्स। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या दी है अपने को? सर, 0.8 मीटर। आपको कैपिटल डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 मीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज 15 मिलीमीटर। चलो, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ आपको एक्स ऑफ टू दिया हुआ है 15 मिलीमीटर। ठीक है, और ये आपको बोल रहे हैं कि आपको स्लिट विड्थ निकालनी है। इज दैट ओके? हाँ ना, बोलो, ये सब चीजें के बिना ना।
16 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ रहा है। ओके मैम। ठीक है मनीषा। फिलहाल एक बार बताओ, हमें जो डेटा गिवन है वो इन तीन के अलावा कुछ और दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है, आपको लास्ट क्लास मैंने पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज ये सब हमने पढ़ा था, तो हमें पता है कि ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n+1 प्लस वन आगे क्या होता है, लैम्डा लैम्डा डी बाय डी डी आर डी राइट। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा नंबर का मैक्सिमा दिया है, सेकंड ऑर्डर का, तो आप n का n की जगह 2 रखोगे, आपके पास आ जाएगा 5 लैम्डा डी बाय डी इज इक्वल टू दिस थिंग। ये सुनो। यस मैम। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आपके पास लैम्डा का वैल्यू है, कैपिटल डी का वैल्यू है, स्मॉल ओ एक्स का वैल्यू है, आपको सिर्फ डी तो निकालना है, कितना सिंपल है। आप यहाँ से सिर्फ एक काम करो, डी का वैल्यू निकालो, विच वुड बी 5 टाइम्स ऑफ दिस 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 एंड दिस। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 5 इंटू 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और कैपिटल डी का वैल्यू कुछ, हाँ बेटा 0.8, 15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में ओके 5 से इधर गया 3, 3 से ये गया 2। मैम ये सेकंड एन कहाँ गया मैम, जो एक्स स्क्वायर टू जो फॉर्मूला में लगाया था। क्या बेटा 2n हो गया ना मैम, एन की वैल्यू 2 हो गई ना। हाँ तो मैम नीचे 2 भी तो आएगा डिवाइड। यस मैम। अच्छा लैम्डा डी बाय 2d राइट। यस मैम। या सॉरी तो हाँ यहाँ पे 2 आ गया, 2 से एक और कैंसिल, 100 हो गया एंड इट वुड बिकम 80 मैम मेयो मीटर, 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पे माइनस 3 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 6 बचेगा, इट वुड बिकम 80 माइक्रोमीटर। ठीक है यस मैम, मेरा भी यही आया था। हाँ भारती का आ रहा था। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ बोला है डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ दिस When the light of wavelength 5,890 angstrom is incident on it normally. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। अभी टाइम हो रहा है 15:01, आप लोग 15:06 तक कर लो, ठीक है 5 मिनट्स, ट्राई। गुड आफ्टरनून जोया।
आया क्या आंसर? मैं करवाऊं? यस मैम, नहीं आ रहा। ओके देखो, लास्ट वाली क्लास में जब हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे तो मैंने वहां आपको एंगुलर पोजीशन की फॉर्मूला लिखवाई थी ना, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो अगर आप डार्क के लिए लिखोगे तो क्या आएगा? एन लैम्डा बाई डी, है ना। और अगर यस आप मैम, ब्राइट के लिए लिखोगे, सॉरी सॉरी, ब्राइट के लिए ये पार्ट डिफरेंस आ गया, ब्राइट के लिए लिखते हो तो आपको ऑड मल्टीपल्स मिलेंगे। और इवन और ऑड क्यों मिलते हैं ये भी कल मैंने डिस्कस किया था, राइट? ऐसा कुछ आता? अब आपसे ये बात कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की, यानी कि एन का वैल्यू आप 1 रखोगे, वो भी ब्राइट वाले केस के लिए। जब आप एन का वैल्यू 1 रखोगे ब्राइट वाले केस में, तो व्हाट वुड यू गेट? यू विल हैव 3/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी, है ना। सेंट्रल फ्रिंज जो होगी, जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा बेटा, उसके लिए तो थीटा कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर पे बन रहा है। अगर आप इसका डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाओगे तो इट वुड बी लाइक दिस, इस तरह से। तो ये तो 0 है ना, एंड दिस वुड बी योर फर्स्ट मैक्सिमा, जिसका आएगा 3 लैम्डा बाय 2 डी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपसे जो वो थीटा बोल रहा था वो था 3 लैम्डा बाय 2 डी माइनस 0, विच इज अगेन 3 लैम्डा बाय 2 डी। आपको बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। निकालना क्या है हमको? एंगुलर सेपरेशन, थीटा निकालना है। आपको स्लिट विड्थ दी हुई है, आपको लैम्डा दिया हुआ है, आई गेस यही चाहिए अपने को। देखो सॉल्व कर दो, 3 × λ का वैल्यू कितना है? 5890 एंगस्ट्रोम। ठीक है, और स्लिट विड्थ कितनी है? 0.25 मिलीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत? नो मैम। नो ओके, बस अब इसको आप थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें पूरा, 0 0 0 25 10 माइनस 7, करो सॉल्व इसको जरा। ट्वेंटी फाइव से 100 जाएगा, उधर 4 रह जाएगा, 3 4 60, 6 × 5890, 10 की पावर माइनस 7। थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसको, तो ये कुछ आंसर आएगा तुम्हारा। सिक्स जीरो सिक्स सिक्स नाइन सिक्स नाइन। अरे मैम, 3.54 माइक्रोमीटर आ रहा है। इनमें क्या है? 3 पॉइंट 3.54 माइक्रोमीटर। 8 3 4 10 की पावर माइनस 6 आ रहा है। यस मैम। माइनस 10 थ्री की आ रहा पावर माइनस 6 नहीं आना चाहिए। और पहली बात तो ये एंगल है तो रेडियन में जाएगा, है ना। मैम, -3 आ रहा। हाँ, 10 की पावर माइनस यस 3 ऐसा कुछ आएगा, और ये रेडियन में आएगा। यस मैम। ठीक है, मतलब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है अपना क्या था, बाकी तो आगे मैथ्स है, तो अगर वो नहीं आती तो मतलब दिक्कत तो होगी। फिलहाल हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था यहाँ तक। ठीक है, हम अगर इतना लिख पा रहे थे तो दैट इज फिजिक्स, जहां पे ये हमारा सेंट्रल ब्राइट हो गया और इधर अपने को फर्स्ट मैक्सिमा मिल गया। ठीक, यस अब बात कर लेते हैं इस वाले, एक ये लास्ट क्वेश्चन है डिफ्रेक्शन से, फिर हम अपना पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार देखो, यहाँ बोल रखा है पैरेलल लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रोम फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट, द सेंट्रल मैक्सिमम स्प्रेड्स आउट टू 30 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट। फॉर व्हाट विड्थ ऑफ द स्लिट द सेंट्रल मैक्सिमम वुड स्प्रेड आउट टू 90 डिग्री। प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो।
ठीक है, और आंसर थोड़ा पॉजिटिव ओके लगाना कि मैम। हाँ आ ही रहा है। वेरी गुड सुष्मिता। आया क्या बेटा आंसर? मैम एक मिनट। ओके ठीक है, मुझे बता देना कि मैम अब आप सॉल्व करा दो।
मैम डी तो 5 × 10 की पावर -7 हो रहा है। ओके ओके चलो ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं। मैम मेरा भी यही निकल। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें यहाँ गिवन है एक तो वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ लिख देते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। हाँ, और हमें दिया है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो एंगल है मतलब दैट इज 30 डिग्री ऑन आइदर साइड, ठीक है। और क्या दिया है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आपको ना बस चीजें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपने कहाँ क्या रखना है, बस उतना एक फॉर्मूला मतलब याद आना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे ये वादा रखना है, वरना देखो कितना सिंपल है, सब कुछ तो है आप पे, है ना। लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 5000 × 10 की पावर -10 अपॉन साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इज गोइंग टू बी हाफ। बोलो सॉल्व करो, यहां से इट वुड बिकम व्हाट, 1/2। एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 5 × 10 की पावर -7, 1 × 10 की पावर -6 मीटर, यही आएगा। यस मैम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। लेकिन नॉय ना हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ दो क्वेश्चन पूछे हैं, इतने पार्ट का तो आंसर ये आ गया। हाँ, सेकेंड पार्ट इन्होंने पूछा है कि क्या हो अगर 90 डिग्री मैक्सिमा जाए, कोई इशू नहीं है। अगर आप 90 डिग्री बोल रहे हो तो भी तो फॉर्मूला यही एक यूज होना है, तब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे साइन 90 रख दूंगी विच इज गोइंग टू बी 1। दिस इज माई आंसर नाउ। ठीक है, तो मेरा आपको एक लोगों को सजेशन है कि अभी हमारा ना डिफ्रेक्शन के अब और क्वेश्चन हम फिलहाल तो नहीं करेंगे, बाद में भले ही उठा लें। आप एक काम करो, आप ना अभी जब क्लास खत्म हो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले तब आप मैक्सिमा मिनिमा और ये तो आप इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन दोनों के लिए रट लो, इसके अलावा जब आप बात करो सिर्फ डिफ्रेक्शन की तब आप सेंट्रल मैक्सिमा का बिहेवियर भी पॉइंट्स में लिख कर याद करो। ठीक है, आई एम टेलिंग यू डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस इन तीन चीज के बाहर नहीं जाएगा। डिफ्रेक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा का रोल आ रहा है क्योंकि इंटरफेरेंस तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी का। ठीक है, तो आप ये वाली चीज ना रट लो, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि रट लो, क्वेश्चन नहीं अटकेगा। आप देखो कितना भी आपने क्वेश्चन देखे चाहे आज की क्लास हो चाहे पिछली क्लास हो, सिर्फ एक फॉर्मूला वाला है, आपको बस एक करेक्ट फॉर्मूला निकालना है और वो उस फॉर्मूले में आपको अगर तीन क्वांटिटी से फॉर्मूला मिलकर बनाए तो दो आपके पास है, एक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ फिजिक्स में आपको सही फॉर्मूला पकड़ना है। चलो आई होप कि आप ये लोग कर लोगे। अब हम बात करते हैं एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वेव ऑप्टिक्स की बताया था कि हमको तीन चीजें पढ़नी होंगी, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। अब तक हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कर चुके हैं, नाउ इट्स टर्न टू स्टडी द थर्ड फिनोमिना पोलराइजेशन। एक यही फिनोमिना था जिसकी वजह से हाइगेंस प्रिंसिपल मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल का एक फेलियर था, एक हाइगेंस प्रिंसिपल फेल हुआ, उसके पीछे का एक रीजन पोलराइजेशन भी था क्योंकि वो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अपनी थ्योरी से, और वो इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि पोलराइजेशन रिक्वायर्स ट्रांसवर्स नेचर। ये बात वो बताता है कि वो मटीरियल प्रॉपर्टी वाली चीज नहीं है जो उस हाइगेंस ने बोली थी, है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रांसवर्स है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली वाइब्रेट करते हैं तब एक हमारे पास लाइट आती है जिसे हम ईएम वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं। देखो यहाँ पे एक है कि एरर इन हाइगेंस प्रिंसिपल, तो उन्होंने बोला था कि लाइट की जो वेव है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लाइट मैकेनिकल वेव है, उसको ईथर चाहिए, ईथर भी क्या जो इस वाली कैटेगरी का हो कि उसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई हो और डेंसिटी बहुत लो हो। लेटर ऑन हमने रियलाइज किया कि भाई लाइट तो एक ईएम वेव है जिसका ट्रांसवर्स नेचर है। ठीक है, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा,
आई नो मैंने डायग्राम बहुत गंदा बनाया, बट आप लोग इमेजिन कर लो कि एक्स अगर वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस में वेव प्रोपोगेट कर रही है, इज दैट ओके? यस ठीक है. यस मैम. अब प्रॉपरली पोलराइजेशन अनपोलराइजेशन क्या क्या सिचुएशन है इसको स्टडी करते हैं. एक अनपोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जिसमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करती है, ठीक है, नेचुरल है. उसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई एक ही एक्सिस के अलोंग जा रही है या वाई एक्सिस के अलोंग कोई 30 डिग्री पर ही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. उसमें हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करती है. ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गई अनपोलराइज्ड लाइट की. पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? पोलराइज्ड लाइट एक ऐसी लाइट है जो किसी एक डायरेक्शन में ही वाइब्रेशंस कंटेन करती है, ठीक है. अगर थोड़ा बहुत उधर इधर कर भी रही है तो भी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वेव्स जो है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है. आप यहाँ नीचे देखो, दिस इज द फर्स्ट केस. आप यहाँ सेकंड केस देखो, दिस इज सम अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है. कुछ पोलराइज्ड रखा है, कोई इसकी पास एक्सिस, मतलब समझो उसको थोड़ा बहुत समझो, फिर आपको ना मेरा टॉपिक भी सही से क्लियर हो जाएगा. पोलराइड है, उसमें सपोज ऐसे वर्टिकल वर्टिकल मैंने एक्सिस दी हुई कि सिर्फ वर्टिकल कॉम्पोनेंट ही वाइब्रेशन का इससे पास हो सकता है, ठीक है. तो वर्टिकल क्या हो गया? पास एक्सिस, कि वो वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स को ही अलाउ कर रही है, बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स को ब्लॉक कर देगी. अब सोचो जो वर्टिकल है वो तो वर्टिकली पास हो जाएंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है वो पूरे के पूरे कट हो जाएंगे, और जो किसी एंगल पर है उनका कॉम्पोनेंट होगा ना एक परपेंडिकुलरली एक हॉरिजॉन्टली, तो परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट पास हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कॉम्पोनेंट स्टक हो जाएगा. थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस मैम. यस मैम. ओके, ऐसी लाइट्स को बोल ऐसे वेव्स को बोलते हैं जिनकी एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होती है, उनको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट था, और ये ना आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि भाई हम डिस्टिंग्विश कैसे करें पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट में. तो एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, आपने उसको किसी पोलराइड से पास किया, वो पोलराइज्ड हो गई होगी जो भी पास एक्सिस होगी उसके अबाउट, राइट? बोलो. हाँ. तो अब जो आपके पास ये पोलराइड है ना, इसको आप घुमाओ किसी भी एंगल पे, घुमाओ 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, एट एनी आर्बिट्रेरी एंगल, आपको हमेशा इंटेंसिटी लाइट की सेम मिलेगी. क्यों? क्योंकि आपके पास है जो पोलराइड है उसके पीछे रखा हुआ है अनपोलराइज्ड लाइट, जिसके हर डायरेक्शन में पोलराइजेशन, मतलब हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस है. तो आप किसी भी एंगल पे रखो आपको वही सेम लाइट मिलने वाली है. सोचो आपने एक 90 डिग्री पर रख रखी थी, आपने अब उसको रोटेट करके 30 डिग्री पर रख दिया, तो जितनी भी वाइब्रेशंस 30 डिग्री वाली हैं वो चली जाएंगी, लेकिन जो परपेंडिकुलर हैं उनका भी 30 डिग्री डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल है उनका भी 30 डिग्री डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है जितना है वो जाएगा, बाकी स्टक हो जाएगा. तो कुल मिलाकर अगर आपको पोलराइड घुमाने के बावजूद भी सेम इंटेंसिटी मिलती है, तब इससे पता चलता है कि जो हमने लाइट यूज करी है ना अभी, दैट इज अनपोलराइज्ड. इज दैट ओके? यस मैम. ओके. सेकेंड वन, इफ यू हैव अ पोलराइज्ड लाइट. अब सोचो आपके पास एक ऐसी लाइट रे आपने इंसिडेंट कराई है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, आपने जब पास एक्सिस उनके पैरेलल रखी तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, पूरी इंटेंसिटी दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप उसको कम करने मतलब घुमाने लगोगे तो आप देखोगे कि इंटेंसिटी डिम होती जा रही है, होती जा रही है, और जैसे ही आपने जो वाइब्रेशंस हैं उनके परपेंडिकुलरली पोलराइड रख दिया, जीरो आपको मैक्स मतलब इंटेंसिटी मिलेगी. तो कभी कभी अगर आपको पोलराइड घुमाते घुमाते इंटेंसिटी मैक्सिमम से जीरो हो जा रही है तो मतलब आपने पोलराइज्ड लाइट ली थी. इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है. ओके मैम. ओके, थर्ड वन इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. पार्शियली पोलराइज्ड लाइट ऐसी लाइट होती है बच्चे जिसमें पार्शियलिटी इन द सेंस की जैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट के पास देखो यहाँ पे ज्यादा लाइट के कंपोनेंट्स हैं, ज्यादा वाइब्रेशंस जो हैं वो परपेंडिकुलरली हैं,
और बहुत थोड़े बहुत उनका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. ऑब्वियसली अगर किसी एंगल पर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी परपेंडिकुलरली कंट्रीब्यूट करेगी. ठीक है, ऐसे केसेस में जब आप रोटेट करते हो पोलेरॉइड को और आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस की पैरेलल रखा हुआ, तब तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी. लेकिन जैसे जैसे आप उसको रोटेट करते जाओगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी लो होती जाएगी लेकिन जीरो कभी नहीं होगी, क्योंकि इन केसेस में हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन भी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज इन बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम बट इट कैन नेवर बी जीरो. ओके मैम. अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट की. अगर हमारे पास दो पोलरॉइड हैं, P1 और P2, P1 इज देयर एंड P2 इज हियर, ठीक, इनके बीच एंगल है 0 डिग्री. तो एक बात बताओ, अनपोलराइज्ड लाइट, ध्यान से देखना, ये वाली है अनपोलराइज्ड लाइट, इसको हमने पास किया, हमारे पास ये वाली, ये जो डॉट थी ये हमारे पास नहीं है इस बारी, क्योंकि वो ब्लॉक हो गई. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमने डॉट से दिखाए और वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने एरो से दिखाए, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स पास हो गए. P1 और P2 इन दोनों पोलेरॉइड्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल है. बेटा जब इसने आई नॉट पास कर दिया तो ये भी आई नॉट पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? सेम इंटेंसिटी. ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट वाले पोलेरॉइड को तो वर्टिकली रखूं लेकिन सेकेंड वाले को हॉरिजॉन्टली रख दूं, तब क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो पास हो गए लेकिन अब यहाँ से कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी क्योंकि इधर है अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. यस, ओके ना. अब बात करते हैं एक थर्ड केस की, विच वुड बी अ जर्नल केस. अभी तो मैंने 0 डिग्री 90 डिग्री फिक्स रखा था. अगर मैं एक कोई थीटा पे रख दू, किसी थीटा पे मैं इस एक्सिस को रख दू, तो आप क्या देखोगे कि भाई इधर से आई नॉट इंटेंसिटी आई और इधर से ऑब्जर्व हुआ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. अब लोगों को दिक्कत होती है कि चलो वर्टिकली यहां था, इससे थीटा एंगल आपने दूर रखा तो ये आई नॉट कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि बेटा इंटेंसिटी इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, आपने पढ़ा है ना, के स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा का स्क्वायर जाएगा. सो दैट्स व्हाई यू गॉट दिस आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. कुल मिला के ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर दो दो पोलेरॉइड उनके बीच थीटा एंगल है तो जो लास्ट इमर्जिंग इंटेंसिटी है दैट वुड बी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, आप देखो ये चीज हर जगह फिक्स हो रही होगी. यहाँ पर थीटा 90 डिग्री था, कॉस 90 क्या होता है, 0, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी इंटेंसिटी लाइट की नहीं मिली. इधर देखो, इधर थीटा था 0, कॉस 0 1 होता है, यहाँ पे देखो आपको इसलिए आई नॉट कॉस स्क्वायर बिल्कुल सेम इंटेंसिटी मिली. ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे फॉर्मूला, इसको मैजिक लॉ भी बोलते हैं, कि आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आई, ध्यान रखोगे इसका? यस मैम. ओके, बाकी कुछ यूजेस ऑफ पोलेरॉइड है एक बार आप बताओगे, तो अगर कभी थोड़ा बहुत पढ़ा हो पहले, कि पोलेरॉइड के क्या क्या यूजेस होते हैं. एनीवन? अच्छा एक काम, एक बात बताओ, आप लोग सनग्लासेस यूज करते हो ना जब धूप लगती है? Yes, है ना, सनग्लासेस. Yes, भी उनको पोलेरॉइड्स भी बोलते हैं. ये पोलेरॉइड्स क्या होते हैं, जब भी इन पे रिफ्लेक्शन पड़ती है, जैसे सनरेज पड़ती है, तो ये इस तरह से डिजाइंड होते हैं क्योंकि उन सब की ना वाइब्रेशंस के मतलब एक से किसी से समझो उनकी वाइब्रेशंस के एंगल्स फिक्स्ड है, तो हम उनको ब्लॉक करने के लिए कि इतना ब्लॉक हो, पार्शियली ब्लॉक हो ताकि हमको दिखे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लगाते अंधे हो जाए हम लोग, तो इसीलिए हम लोग ना एक फिल्म ऐसी चढ़ाई जाती है, ऐसे पोलराइज किया जाता है उनको एक एंगल पर, कि आपको सन की वो ग्लेज ना मारे, वो एकदम से चमक होती है ना, ग्लेयर होता है, वो ना लगे. ठीक है, तो ऐसा देखो ये रहा ना, सरफेसेस यूजली जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो पार्शियली प्लेन पोलराइज करते हैं. ठीक है, और अक्सर ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि वो हॉरिजॉन्टली प्लेन पोलराइज होते हैं, तो हम उनको हल्का सा ना वर्टिकली वाली डायरेक्शन में ले जाते हैं ताकि मेजर पोर्शन जो है ब्लॉक हो जाए, कुछ पोर्शन हमको मिल जाए. बाकी जो हेडलाइट्स और विंड स्क्रीन होती है कार्स की, उनमें होता है, और दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलरली अलाइन होती है. सपोज मैं और आप कार में है इस टाइम, मेरी कार है, आपकी कार है,
आपकी कार की हेडलाइट है, मेरी विंड स्क्रीन है, आपकी हेडलाइट से मेरी जो विंड स्क्रीन है उसमें लाइट आएगी ना, तो हम दोनों की जो पोलेरॉइड्स है ना वो 90 डिग्री पर होते हैं, ताकि वो जो चमक है ना एकदम से वो मेरी आंख में ना आए और मेरी ड्राइविंग ना बिगड़ जाए। सिमिलरली मेरी हेडलाइट से जो जा रही होंगी आपकी विंड स्क्रीन में, उनमें भी यही चीज होगी कि लाइट्स जाए लेकिन आपको क्लियर ना हो, आपको एकदम से चमक ना लगे कि फिर आप मतलब यू नो दिखता नहीं है, वो वाली सिचुएशन ना हो। तो खैर ये सब आपके फिलहाल काम का तो नहीं है, बट हाँ पोलरॉइड ऐसे यूज होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक विच इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ऐसा देखा गया कि रिफ्लेक्शन में भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स होती हैं, मतलब कि ये एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है भाई, हमने इसको कराया इंसिडेंट, ठीक है, एक इंटरफेस पर आई, इंटरफेस से देखा कि यहाँ पे दो चीजें होंगी। वैसे तो अगर लाइट कभी किसी इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। प्लान हम कंसिडर करते हैं कि हम दो फिनोमिनास कंसिडर करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाले केस में आपको डॉट ज्यादा दिख रही है और वर्टिकल वाइब्रेशंस कम दिख रही है, जबकि रिफ्रैक्शन वाले केस में आपको अनपोलराइज लाइट ही दिख रही है। क्या दिख रहा है ये वाली चीज? यस मैम। तो बेसिकली दिस डायग्राम इज शोइंग कि जब भी लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो वो पार्शियली प्लेन पोलराइज लाइट होती है, जिसमें मैक्सिमम जो वाइब्रेशन है दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर बस आपको ये दिखाना था, एक बड़ी प्यारी सी चीज ब्रूस्टर लॉ के थ्रू आती है और वो ये बोलती है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रेक्टेड रे दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इन दैट केस आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड नहीं, प्लेन पोलराइज्ड मिलेगी। मतलब ये इंसिडेंट रे आई, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड लेट्स से दिस इज रिफ्रेक्टेड, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री तो वी वुड से कि भाई ये वाला एंगल है आईपी, या तो आप इसे पोलराइज्ड एंगल बोल दो या ब्रूस्टर एंगल बोल दो, इट्स अप टू यू। अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रेक्टेड रे 90 डिग्री है ना, तो यहां पर आपको कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट ही मिलेगी, ठीक है। एक बार देखते हैं, देखो ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, यहां पे मैंने माना है कि दिस इज 90 डिग्री, थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ मैं यहां पर, सपोज ये वो एंगल है जिस पर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रेक्टेड रे दोनों कैसी हो जाएंगी बेटा, बोलो, परपेंडिकुलर, ठीक है। इफ दिस एंगल इज आई पी देन बाय एंगल बाय यू नो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिस एंगल इज ऑल्सो आई पी, आई इज इक्वल्स टू आर। अगर ये आई पी है बेटा, ये एंगल भी तो 90 डिग्री है ना, इफ दिस इज आई पी दिस वुड बिकम 90 माइनस आई पी एंड अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो इफ दिस पोर्शन इज 90 माइनस आई पी देन दिस इज इक्वल्स टू आई पी, राइट? यस मैम, ठीक है। और बेटा अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, इतना आई पी है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस आई पी, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बस अब आप ये वाली चीज समझो और यहां तक आ जाओ। आपको स्नेल्स लॉ लगाना मैंने सिखाया था कि जो भी आप मीडियम ले रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल्स टू, जो भी मीडियम ले रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का साइन बराबर होता है, बताया था। तो यहां से आप लिख सकते हो म्यू साइन आई पी is equals to, यहाँ पे one दे रखा है basically, यहाँ आ जाएगा mu sin 90 minus IP, ठीक है? थोड़ा सा इसको solve करो, you will get this thing, कि mu is equals to sin IP by cos IP and this is the Brewster's law, कि mu is equals to 10 IP, यहाँ से आप polarizing angle निकाल सकते हो, again, these are important, ठीक? Okay? बोलो भाई, समझ में आया? यस मैम, यस मैम, ठीक है।
आप एक काम करो, बस ये वाला क्वेश्चन कर दो एंड हैव अ बिट. मैम 34 आएगा. ओके एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. ठीक है, म्यू का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है. आपसे आईपी और आईपी पूछा. एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा ना आईपी इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ म्यू, यानी कि 10 इनवर्स ऑफ 4/3. बेटा ये होता है एक मैजिक ट्राइंगल, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर 4 और ये ऐसे. अगर आपको ऐसे गिवन, देखो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना इधर, अगर आपको ऐसा कभी कुछ गिवन है तो यहाँ एंगल आता है 53 डिग्री, और ये छोटी वाली साइड है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जाता है 37 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री. तो इस हिसाब से आप देखो यहाँ पर आपका आईपी का वैल्यू आया 53 डिग्री. ठीक है, ये वाला मैजिक ट्राइंगल ना जरा याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे आपके क्वेश्चंस 37 डिग्री 53 डिग्री वाले इस वाले ट्राइंगल से हो जाएंगे. ठीक है, डन. ठीक है, तो बस आज की क्लास यही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं. और भी तो मैंने डिसाइड नहीं किया हम कल क्या पढ़ेंगे, बट ठीक है आई विल टेल यू हम कल क्या पढ़ेंगे कभी भी, मतलब कल बता दूंगी मैं. ठीक है, बाकी ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.